एक बार कबीर साहब ने देखकर दुनिया को रोने लगे, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। हाय, ये काल चक्र चल रहा है, सबको पीस रहा है, जैसे चक्की पीस रहा है सबको, सब पीसे जा रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है। इसको देख करके कबीर साहब दुख के कारण रो पड़े। कबीर का पास में उनके चेला बैठा हुआ था, जिनका था मालिक नाम था उसका, बोला गुरुजी आप तो दुख प्रकट कर रहे हैं, सब पीछे जा रहे हैं, लेकिन बस तो जाएंगे, पागल कौन बचेगा, चक्की के अंदर जाकर के बचता है, सब पीस जाए रगड़ जाएंगे। बोले नहीं, चक्की के अंदर भी बच जाएंगे। बोले पागल, चक्की के अंदर बच जाएंगे? हाँ बच जाएंगे। बोले कैसे? तो मालिक कहने लगा गुरुजी, चक्की होता है एक पत्थर, उसके ऊपर और एक पत्थर, वो चलता कैसे, उसके ऊपर एक मानी रहत, मानी ना बोलते उसको, मानी समझता ना, ना खील, लकड़ी होता ना एक, जिसका चारों तरफ चक्की घुमा जाता है, खील होता है, फिर चक्की को घुमाते। बोला जो खील के साथ चिपक कर रहता है वो नहीं पीसेगा। बोला गुरुजी जो आपके चरण को पकड़ ले फिर वो कैसे पीसेगा, है नहीं? तो ही बात कहते हैं कि अगर किसी प्रकार से इस सत्संग को कोई पकड़ रखे तो चलती चक्की में भी वो साबुत बच जाए, है कि नहीं? इस काल चक्र को हमसे बच जाए।